LIC प्रस्तुत करता है डिजिटल बाल मेला, बच्चों के लिए बड़ा अवसर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र 12 जून 2023। 68 बच्चे पहुंचेंगे शिमला, 21,000 का इनाम। मैं राज्य का मुख्यमंत्री बन गया तो मैं लोगों के हित में तथा लोगों के विकास के लिए कार्य करूंगा। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों तक स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाओं को पहुंचाऊंगा ताकि राज्य के सभी युवाओं को शिक्षा प्राप्त हो सके। राज्य के युवा उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं। मैं राज्य में अच्छे कॉलेजों का निर्माण करके राज्य के युवाओं को शिक्षा प्राप्त करवाऊंगा। ऐसे कार्य जो वर्तमान समय में किए जा रहे हैं उन्हें बंद करवाऊंगा, जिनसे राज्य को कर्जा हो रहा हो। मुफ्त बिजली, राज्य में 125 यूनिट मुफ्त बिजली की स्कीम को बंद करवाऊंगा। राज्य में उद्योगों का निर्माण करवाऊंगा जो राज्य में न हो, जिनके कारण राज्य के युवाओं को रोजगार मिले। और राज्य सरकार उद्योगों में बनी वस्तुओं का निर्यात करके धन एकत्रित कर सके और धन से लोगों के विकास के लिए कार्य कर सके। हमारे राज्य के अनेक युवा रोजगार की प्राप्ति के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब रोकने के लिए मैं राज्य में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर युवाओं को प्राप्त करूँगा। राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत कराऊँगा जिसके कारण लोगों को न्याय की प्राप्ति कम से कम समय में हो सके। मैं हमारे राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के कार्यों में काम करूंगा तथा राज्य को नशामुक्त बनाऊंगा। राज्य के धन का प्रयोग राज्य के विकास के कार्यों में ही लगाऊंगा। राज्य के युवाओं के लिए खेल कूद की सुविधाएं प्राप्त कराऊंगा जिससे वे अपना तथा अपने राज्य का नाम रोशन कर सके। राज्य में अच्छी सड़कों का निर्माण करवाऊंगा जिसके कारण यातायात में कठिनाई ना हो सके तथा सड़क दुर्घटनाएं कम हो। मैं राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करवाऊंगा। इसी के साथ मैं राज्य के और विकास कार्यों पर बल दूंगा। धन्यवाद।